क्या हाल चाल आईवेज बढ़िया झकास बिंदास लाजवाब। DRCC के थ्रू BGU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ऐसे तो अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू करवाओगे तो वो तो एक ही बात बोलेगा, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो आएगा मैं देख लूँगा। पर भाई रियली में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा एंड आपको DRCC के थ्रू या फिर BGU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं, ओके तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो या एडमिशन रिलेटेड कोई क्यूरीज करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तेरा भाई का इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ से आप मुझसे बात भी कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम होता है एंड DRCC के थ्रू कैसे करने से प्रॉब्लम नहीं आती है, हर चीज़ इस वीडियो में सोल्यूशन में बताने वाला हूँ। केमिकल का सोल्यूशन समझते हो, बस वही सोल्यूशन मिलने वाला है। देखो भाई, अगर आप BGU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब अगर आप BGU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन दो प्रोसेस से होती है, ओके या तो आप कैश से एडमिशन लेते हो। चलो भाई, कैश वाला जो एडमिशन लेते हैं वो मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो भाई तुरंत एग्जिट कर जाते हैं वहाँ से। बट भाई बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो कैश से एडमिशन ना लेके DRCC थ्रू एडमिशन लेते हैं, ओके एंड DRCC थ्रू एडमिशन लेते हैं तो DRCC थ्रू एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि वो भाई DRCC उनको काउंसलर करवा के देता है, ओके एंड काउंसलर के थ्रू लोग है ना। तो मान लो कि अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेते हो तो उसको तो 35,000 से 40,000 रुपये मिल जाता है, ओके तो आपको क्या होगा कि अगर आप काउंसलर के थ्रू एडमिशन ले लोगे तो आपको क्या होगा कि स्कॉलरशिप जो होता है, मान लो कि बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में आप बहुत अच्छे हो एंड आपने 75% अटेंडेंस मेंटेन किया है, तो जो स्कॉलरशिप होता है ना वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाता है। स्कॉलरशिप 40,000 50,000 जैसा आपके एलिजिबिलिटी है, जैसे आप पढ़ते हो या जैसा आपका परसेंटेज है उस हिसाब से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप DRCC थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये देखना है दूसरा पॉइंट क्या होता है, मैं बता। देखो भाई, अगर आप कोई मान लो कोई काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेते हो, ओके मान लो कि कोई आपका भाई है अगल बगल में जो एडमिशन करवाता है, तो एडमिशन भाई वैसे ही नहीं करवा रहा है, वो आपका फायदा नहीं सोच रहा है, वो अपना फायदा सोच रहा है। तो वो मान लो कि काउंसलर के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन करवाते हो तो काउंसलर के थ्रू एडमिशन करवाने में क्या होगा कि काउंसलर के थ्रू आपने जैसे ही एडमिशन करवाया तो उसको तो पैसे मिल गए, पर आपके जो भी आपको जो मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाते। परसेंटेज पे जो डिस्काउंट मिलता है, जो स्कॉलरशिप मिलता है, वो आपको नहीं मिल पाते। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है, अगर आप DRCC थ्रू एडमिशन करवाते हो तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बट अगर आप काउंसलर के थ्रू जाते हो तो वो 1,00,000 रुपीज एंड जो आपका कोर्स है वो इंक्लूड करके आपको एक साथ बताता है एंड एक साथ आप अप्लाई कर लेते हो, जिससे क्या होता है कि जो भी हॉस्टल का फी है वो आपके कॉलेज में जाता है। ये थर्ड पॉइंट आता है। तो यहाँ पे DRCC थोड़ा सा मात खा जाता है। अगर मान लो कि बहुत सारा बंदा को, आपको ही पता है कोई भी हॉस्टल का मेस बहुत ही बढ़िया नहीं होता है, तो अगर आप कोई भी काउंसलर के थ्रू करवाते हो ना तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो कि ये सारी प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल में प्रॉब्लम होती है, रूम अलॉटमेंट प्रॉब्लम होती है, आपका स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम होता है एंड एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। बट अगर देखो भाई, DRCC के थ्रू ऐसा नहीं है कि DRCC के थ्रू आप एडमिशन करवाते हो तो जो जो मैंने बोला ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अगर आप DRCC के थ्रू अगर स्टूडेंट रेफरल से, मान लो कि अगर आपका कोई भाई पढ़ रहा है BGU यूनिवर्सिटी में, चलो अगर आपका भाई नहीं पढ़ता तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा, मैं आपको रेफर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आपका कोई भाई पढ़ रहा है तो उस भाई को आप बोलोगे भाई मेरा एडमिशन के लिए आप रेफर कर दो, क्या मतलब कि मैं आपको रेफर करता हूँ, ये कॉलेज बहुत बढ़िया, वैसे लोग है ना। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप चाहो तो वो पैसा को, जो पैसा हॉस्टल के लिए मिल रहा है, वो पैसा को या तो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो एंड अपना जो भी रूम है आप रूम बाहर में लेके भी पढ़ाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अगर DRCC के थ्रू लेते हो और काउंसलर के थ्रू लेते हो तो नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट की तरफ भी, बात कर लेते हैं प्लेसमेंट कैसा है BGU यूनिवर्सिटी में। BGU यूनिवर्सिटी अभी तक मुझे बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी लगा है, उसका जो इस बार का जो प्लेसमेंट है 2022 का वो बहुत ही हाई रहा है, ओके बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ वहाँ पर विजिट की है, जिससे उस कॉलेज का जो रेंज है थोड़ा सा हायर हो गया है, समझ रहे हो ना। बस यही बात है, अगर आप लोग चाहते हो भाई एडमिशन रिलेटेड क्यूरीज या फिर एडमिशन स्टूडेंट रेफर के थ्रू लेना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा आप लोग को, लास्ट में मैं दिखा दिया हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिखा होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मुझे मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। बट वही है कि ऐसा ना हो कि अगर आप मान लो कि 2 मिनट के लिए, बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई स्टूडेंट रेफरल के थ्रू या डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन लूंगा, तो डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन लेने के बाद भाई मतलब कि तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई देखो, अगर आप डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन लेते हो ना तो आपका कोई भी, जैसे कि मान लो कि कोई भी बोनाफाइड का प्रॉब्लम आता है या फिर आपका कोर्स का प्रॉब्लम आता है या पैसा आपका नहीं आता है तो कॉलेज वाले उस टाइम आपको नहीं समझेंगे कि भाई उनका तो ये कहना है कि आपने एडमिशन लिया। बट अगर स्टूडेंट रेफरल के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो ना तो उसमें क्या होगा कि वो जो कॉलेज है उनको आप कर सकते हो, डिफॉल्ट कर सकते हो कि नहीं मैंने स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं
खुद से एडमिशन लिया तो थोड़ा सा मुझे और टाइम दो जिससे मैं पैसा का जुगाड़ करूँ या फिर जो DRCC में प्रॉब्लम आया उसे मैं रिजॉल्व करूँ। ओके, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।